हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेल दो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन। सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिन में कर लेती है, जबकि बहन इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती है, लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। इसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरी करने में कितने दिन लगेंगे? सुनीता कितने दिन में? 15 दिन में। जबकि उसकी बहन नेहा कितने दिन में? 10 दिन में। दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा। 15 दूना 30, 10 तिया 30। वह एक साथ काम करना शुरू करती है, लेकिन 2 दिन बाद नेहा तो 2 दिन तक दोनों काम की, दोनों की स्पीड 2 और 3, 5 की स्पीड से 2 दिन तक कितना काम हो गया? 10 काम। 30 माइनस 10 काम कितना बचा? 20 काम। 20 काम को इसके बाद सुनीता सुनीता की स्पीड कितनी है? 2 की स्पीड से 20 काम 10 दिन में, पूरी करने में कितने दिन लगेंगे? तो 10 5, 2 दिन पहले वाले, 2 दिन पहले वाले और 10 दिन, ये पूरे काम को 12 दिन में। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन। यदि रघु एक किताब को 800 में खरीदता है और 1000 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? खरीदा कितने में? 800 में, कॉस्ट प्राइस, और एसपी सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 1000। कितने का लाभ हो रहा है? 200 का। कितने पे? 800 पे, इंटू 100। तो 20 से 20, 8 से ये 25%। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 45, 250 और 315 का मैथम समापवर्ती। तो 45, 250 और 315 का मैथम समापवर्ती। तो 5 से जा रहा है स्टूडेंट्स, 5 से 9 बार, 5 से 50 बार, 5 से 5 6 30, 5 3 15। अब किसी से नहीं जा रहा, तो इसका एच सी एफ आ जाएगा 5। आगे देखिए स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन। 7396 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 7396 दो दो के जोड़े बना लेंगे, 73 से कम का स्क्वायर 8 का, 8 वन्टे 64, 9 9 6, 8 दूनी 16। तो इसको इससे ज्यादा मल्टी ज्यादा नहीं जाए, तो ये 6 से होगा। संग संग 36 का 6, असल की 3, 36 और 3 39, 3 6 3 9, 996 से 996 ये स्क्वायर हो जाएगा 86 का। आगे देखें स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन। दो गण जिनमें प्रत्येक का आयतन 729 सेंटीमीटर है, आपस में जोड़ा जाता है तो घनों का, तो एक क्यूब बराबर 729, ए बराबर हो जाएगा 9, तो घन की लंबाई 18, चौड़ाई 9 और ऊंचाई 9। तो घन घन का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू लंबाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 2 कोष्टक, 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 प्लस 9 नाम 81 प्लस फिर 9 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 162। 2 कोष्टक, 162 162 162 162 और 81, ये हो जाएगा 2 दुनी 4 1 5, 6 दुनी 12, 12 8 20, 12 8 20, 20 का 12 और 8 20, 20 का 0 असल की 2, 405। 2 इंटू 405 बराबर हो जाएगा 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखें स्टूडेंट्स, छठवा क्वेश्चन। 74 तार पॉइंट 44, 44 पॉइंट तार पॉइंट 04 और 444। तो 444 को अपन ऊपर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 4 दुनी 8, 4 दुनी 8, 4 चौक 4 पंजे 20, 20 का 0 असली की 2, 4 दुनिया 8, 8 और 2 10, 10 और 7 17 का 7 हासिल की 1, 4 1 5, 570.88 माइनस 20, तो ये जाएगा 550.88।
आगे देखिए स्टूडेंट्स, सातवां क्वेश्चन। एक वस्तु को 5% और 10% लाभ पर बेचने पर 30 रुपए का अंतर आता है, मतलब 105% और 110% में बेचने पर कितने का अंतर आता है? 30 रुपए का। प्रतिशत में कितने का अंतर आता है? 5 रुपए का। तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 100। 5 से 30, 6 बार, तो लागत मूल्य हो जाएगा 600। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन। एक परीक्षा में किरदीप ने 57 अंक प्राप्त किए जो कि 76% अंक के बराबर थे। तो 57/76, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना? 100। तो 57 × 76, तो 4 से 100 25 बार, 3 × 25 = 75 अंक। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दो संख्याओं का मध्य अंतर 6 का और उनके वर्गों के बीच का अंतर 240, तो संख्याओं का योग कितना होगा? तो अक्ष से माइनस वाई बराबर 6 और अक्ष स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 240। तो एक फॉर्मूला होता है अक्ष स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर अक्ष प्लस वाई और अक्ष माइनस वाई। तो अक्ष स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है? 240। अक्ष प्लस वाई का मान अपन को पूछा है, अक्ष माइनस वाई का मान कितना है? 6। तो अक्ष प्लस वाई बराबर 240 में 6, तो 40। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दसवां क्वेश्चन। सालाना 6% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए 4375 पर ब्याज, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, 25 से 4 बार, 25 एकम 25, तो 4375 / 25, एक बार 25, 43 में से 25 चला जाएगा, 13 में से 5 गया 8, 1 और 7 187, फिर ये चला जाएगा 7 बार चला जाएगा, तो ये कितना आएगा? 175, 2 1 5, फिर चला जाएगा 5 बार, फिर 5 बार 4 से 4, 175 × 6, तो 6 × 5 = 30 का 0, असली की 3, 6 × 7 = 42, 42 और 3 = 45 का 5, असली की 4, 6 × 6 = 4, 4 = 10, 1050 साधारण ब्याज। आगे देखें स्टूडेंट्स, 11वां क्वेश्चन। 8000 की राशि पर में 2 वर्ष के बाद कितनी बढ़ोतरी होगी यदि प्रतिवर्ष लगभग 5% का वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज लागू हो? तो मूलधन 8000, दर 5% और टाइम 2 वर्ष, तो इसका हो जाएगा ट्रिक 2 और 1, तो 8000 का 5% हो जाएगा 400, 400 का 5% हो जाएगा 20, तो इसका चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा 820। आगे देखें स्टूडेंट्स, 12वां क्वेश्चन। एक कुर्सी को 840 में बेचने पर एक विक्रेता को 16% की हानि होती है, तो 840 / 16 = 84 × 100, तो ये चला जाएगा इससे 10 बार, तो कॉस्ट प्राइस सीपी हो जाएगा 1000। कितने में बेच रहा है? 924 में। कितने कम में बेच रहा है? 76 में बटा मूलधन 1000 × 100, 20 से 20, 7.5% की हानि। आगे देखें स्टूडेंट्स, 13वां क्वेश्चन। एक कार डीलर ने 30% छूट पर एक कार खरीदी, उसने कीमत पर 40% का लाभ मार्जिन जोड़ा और फिर कार को 25% छूट पर बेचा। 30% छूट पर एक कार खरीदी, 30% मतलब 100 रुपए की 100% 30, उसने 30% माइनस 30%, तो उसने 70% में खरीदी, उस पर उसे 40% मार्जिन, तो प्लस 40%, तो 728 98% में इसे 25% छूट पर बेचा,
98 बटा 100 इंटू 75, 25 तीस 75, 25 चौक 100। तो 98 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 अंटा 24 का 4, हासिल की 2, 3 नाम 27 और 2 29, भाग 4, 4 संते 28, 2 2 4 अंटा 24 78। तो 70 में वो खरीदा था और 78 में बेच, 70 में वो खरीदा था और 78 में बेच रहा है, कितने का लाभ? 8 का, 8 बटा 70 इंटू 100, 0 से 0 80 बटा 70% का लाभ, 80 बटा 7% का लाभ। आगे देखें स्टूडेंट 14वां क्वेश्चन, 16 भाग 2 इंटू 2 भाग 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, 8 एकम 8 इंटू 2 दुनी 4, 8 एकम 8, 8 दुनी 16 प्लस 2 बराबर 18। आगे देखें स्टूडेंट्स 15वां क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी की स्पीड। तो 110 मीटर को तो कितने, 13.5 सेकंड में, और 205, तो 205 माइनस 110 तो हो जाएगा 95 मीटर, और 18.25 सेकंड में और 13.5 सेकंड में, 50 ही मान लेते हैं, इधर 5 इधर 12, 12 में से 5 गया 7, और इधर 17, 17 में से 3 चला गया तो 4, 95 4.75 सेकंड में पार करती है, तो उस ये उड़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 100 25 चौक 100, 25 चौक 100, ये 25 से 25 एकम 25 225, 225 चला जाएगा 9 बार, 19 से 5 बार, 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखें स्टूडेंट्स, 1000 की धनराशि पर तारा, तमन्ना और टीना के बीच, तारा टी ए आर ए, टी ए एम एन ए, और टीना टी डबल ई एन ए के अनुपात 4:5:6, तो कितनी राशि है, 1000 भाग अनुपातों का योग 6 और 4 10 और 5 15। तो तारा और टीना की राशियों का अंतर, तारा और टीना की राशियों का अंतर कितना का है, 2 का, तो हो जाएगा 2000 भाग 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 ती 45, 15 ती 45, 3 बटा 15 5, 1 बटा 3, 133 सही, 1/3%। आगे देखें स्टूडेंट्स 17वां क्वेश्चन, तैमूर को पुराना स्टीरियो को पुनः बेचने पर 37.5% का लाभ हुआ, उसने यह वस्तु 3880 में खरीदी थी, तो उसने कितने में बेचा, 37.5% का लाभ, तो 37.5% पॉइंट हट जाएगा नीचे 10 और प्रतिशत का आ जाएगा 100, तो प्रतिशत का आ जाएगा 100, ये 5 दूनी 10, 5 7 35 और 55 25, 25 तीस 75 और 25 चौक 100, 4 दूनी 3, ये तो 8 से कितने में बेचा, 11 में, तो 11 का मूल्य, 8 का मूल्य कितना है, 3880 बटा 8 इंटू 11 का मूल्य, 8 से 8 चौक 32, 8 2 अंटे 64, 8 5 40, 485 इंटू 11, तो 4850, 4850 और 485, 5, 8 और 5 13 का 3 हासिल किए, 8 और 4 12 13 का 3 हासिल किए, 1 4 1 5, ये हो जाएगा 5335। आगे देखें स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन, किसी वस्तु को 5% एवं 20
10% के लाभ के बीच के बिक्री का अंतर 30 है, मतलब 105 और 110 के बीच का अंतर कितना है 30, प्रतिशत का अंतर कितना है 5 का, तो लागत मूल्य 100, 5 से 6 बार, तो वस्तु का मूल्य हो जाएगा 600। आगे देखें 19वां क्वेश्चन, 156, 312 और 195 का महत्तम समापवर्ती, 156, 312 और 195 का महत्तम समापवर्ती, ये किससे जाएगा 3 से, 3 पंजे 15, 3 दुनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3 छिकु 18, 3 पंजे 15, फिर जल चला जाएगा 13 से, 13 चौक 52, 13 अंटे 104, 13 पंजे 65, तो एच सी एफ आ जाएगा 13 इंटू 3, एस सी एफ आ जाएगा 39। आगे देखें स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, 110 की राशि को 2:1, तो जिनका अनुपात कितना है 1:2:3, राशि का अनुपात कितना है 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसे, तो हो जाएगा 2 रुपये की एक सिक्का है तो 2 रुपया, प्लस 1 रुपये का 2 सिक्का है तो 2 रुपया, प्लस 50 पैसे का 3 सिक्का है तो 1.50, तो इनका मूल्य हो जाएगा 2×2=5.5, तो 110/5.5 इंटू 50 पैसे का कितना था 3, पॉइंटर जाएगा ऊपर चला जाएगा 30, ये चला जाएगा इससे 2 बार, 2×30=60 कॉइन। आगे देखें स्टूडेंट्स, मणि एक बैंक में 12,500 जमा करता है और वह साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के बाद 15,500 हो जाता है, तो ब्याज की दर, तो 15,500 माइनस 12,500 कितने का हुआ 3,000, 3,000 कितने वर्ष में 6, एक साल का कितना बढ़ रहा है 500 रुपया, तो ब्याज की दर, ब्याज की दर 500/12,500 मूलधन इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दुना 50, 25 से 5 बार, तो 20 में 5 का भाग देंगे 4%। आगे देखिए स्टूडेंट्स, संख्या 108, 135, 162 का लेस है पी है, तो पी प्लस 4 का मान, 108, 135 और 162, तो ये चला जाएगा 3 से, 3×3=9, 3×6=18, 3×4=12, 3×5=15, 3×5=15, 3×4=12, फिर 3 से 12×36=15 और 18, फिर 3 से 3×4=12, 3×5=15 और 6 बार, 6 बार, फिर 2 से 2×5=3, तो जाएगा 3×3=9, 9×3=27, 27×3=27, 27×54 इंटू 5×2=10, 10×3=30, ये हो जाएगा 54×3, 3×4=12 का 2 हासिल की 1, 3×5=15, 1 16, 1620, 1620, 1620, 1620 पी बराबर है, तो 1620 पी प्लस 4, ये हो जाएगा 1624। आगे देखें स्टूडेंट्स, सड़क पर स्थित आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर 4 मीटर और 3 मीटर दो ऊंची खिड़की तक पहुंच सकती है, तो सड़क की चौड़ाई, ये हो गई अपनी सड़क की चौड़ाई, 4 मीटर वाली पे ये जाएगी, ये कितनी है 5 मीटर, ये भी 5 मीटर है, ये 3 मीटर वाली पे जाएगी तो ये हो जाएगा 4, ये 4 मीटर वाली पे जाएगी तो ये हो जाएगा 3, तो सड़क की चौड़ाई ये है 4 और 3 7 मीटर। आगे देखें स्टूडेंट्स 24वां क्वेश्चन, 20,000 पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 है, तो ब्याज की वार्षिक दर 800/20,000, 800/20,000 बराबर 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से ये 2 से 4 बार, 4%, 4% तभी होता है जब ब्याज की दर
20%। आगे देखें स्टूडेंट्स, अंजलि ने 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 22,500 उधार लिया और उसी दिन उसने यह राशि आकाश को चक्रवृद्धि ब्याज पर समान ब्याज दर और समान समय के लिए उधार दे दी, कितना नुकसान या लाभ होगा? तो 6 एसआई तो होता है उसका 12% और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है 12.36%। मूलधन 22,500 / 100 × 0.36% का उसे लाभ हो रहा है, तो पॉइंट हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। 20 से 20, 25 चौक 100, 25 से 9 बार, 9 से 4 से 9 बार, 9 × 9 ₹81 का लाभ। आगे देखें स्टूडेंट्स 26वां क्वेश्चन, किसी टैंक को 2 इनलेट पाइप क्रमशः 5 और 7 घंटे में भर सकते हैं। एक कितने में? 5, ये कितने में? 7 घंटे में भर सकता है। एक आउटलेट भरे हुए टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है, ये 14 घंटे में। इन सबका लघुतम 70, 14 से 5 बार, 7 से 10 बार और 5 से 14 बार। पूरी तरह खाली टैंक को तीनों पाइप, तो पूरी तरह खाली की क्षमता कितनी हो? 70, 14 और 10 24 से भर रहा है और 5 की स्पीड से खाली हो रहा है, तो 24 - 5 = 19, तो 19 = 57, 3 घंटा 13 सही 19 मिनट। धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।